सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, मैं राणा यशवंत द फ्रंट पर आपका स्वागत करता हूं। हैदराबाद में जिस वेटनरी डॉक्टर का अपहरण, बलात्कार और उसके बाद हत्या, यह मामला इतना जघन, इतना विभत्स, अमानवीय है कि जो कोई भी सुनता है और उसके डिटेल्स जो पुलिस के जरिए आ रहे हैं उसको देखने, सुनने और पढ़ने के बाद जैसे ही आप उसकी कल्पना करते हैं आप सिहर जाते हैं, रूह तक कांप जाती है। इसलिए समूचे देश में आज भी विरोध है। लोग सड़कों पर हैं, वह हैदराबाद हो, कोलकाता हो, दिल्ली हो, तमाम शहरों में विरोध प्रदर्शन है और मांग इस बात की जा रही है कि बलात्कारियों को तुरंत से तुरंत, यानी कि जितनी जल्दी हो, फांसी दी जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। पुलिस ने इन चारों लोगों से पूछताछ में जो अभी तक पता किया है वो ये है कि इनकी नज़र उस डॉक्टर पर पहले ही थी जब स्कूटी टोल प्लाजा पर पार्क कर रही थी। बलात्कार करने के बाद, बार बार बलात्कार करने के बाद इन चारों दरिंदों ने उसकी हत्या की और फिर उस बॉडी को ट्रक के केबिन में डाल दिया। जब शरीर में कोई हरकत नहीं थी, उस महिला डॉक्टर की मौत हो गई थी, उस दौरान भी ट्रक के केबिन के भीतर इन सबों ने उसके साथ बार बार बलात्कार किया। आप सोचिएगा किस तरह के हैवान, किस तरह के दरिंदे हैं ये पिशाच हैं। और फिर जहां बलात्कार किया, यानी टोल प्लाजा के पास, वहां से 25 किलोमीटर दूर हैदराबाद बेंगलोर एक्सप्रेसवे के किनारे जब सुनसान इलाका दिखा तो वहां डॉक्टर की बॉडी ट्रक से उतारी और फिर जलाया। जलाने से पहले मारा था, मारने के लिए गला घोटा, सिर पर चोट मारी, उसके बाद उसकी हत्या कर दी। उस हत्या से पहले बार बार बलात्कार किया। आप ये समझिए कि एक डॉक्टर जब घर से निकलती है कहीं जाने के लिए, नर्सिंग होम ही गई थी, एक अस्पताल गई थी, और वहां से लौट करके घर आना था, लेकिन वो घर नहीं आई। अंदाजा लगाइए, कोई लड़की जब रात के 9:22 पर अपनी बहन को फोन करती है और कहती है कि स्कूटी का टायर पंक्चर्ड है, एक दो लोग मदद की बात कर रहे हैं, पास में ट्रक है, ट्रक के पास भी कुछ लोग खड़े हैं, मुझे डर लग रहा है, और इसके 20 मिनट के बाद जब बहन फोन करती है तो उसका फोन बंद हो जाता है। टोल प्लाजा पर जब डॉक्टर अपनी स्कूटी पार्क कर रही थी उसी दौरान इन दरिंदों की नज़र उस पर थी और इन लोगों ने स्कूटी को पंक्चर कर दिया था, हवा निकाल दी थी, और जब वो लौटी तो अंधेरा हो गया था और पास जाकर कहा कि हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं, आप स्कूटी ठीक कर सकते हैं। जो CCTV कैमरे हैं उसमें दो लोग नज़र आते हैं उस डॉक्टर के साथ, और फिर स्कूटी ले जाते हुए भी दो लोग नज़र आते हैं, यानी कि स्कूटी जब आगे ले गए होंगे, जब अंधेरा होगा, उसको दबोचा होगा, दबोच करके गाड़ी में डाला होगा, फिर कहीं सुनसान जगह पर ले जा करके बलात्कार किया होगा, बार बार किया होगा बलात्कार। अब आप सोचिए कि एक लड़की लगातार भीख मांग रही होगी और उसके बाद भी उस पर कोई रहम नहीं है, आप उसके साथ जुल्म कर रहे हैं, उसको नोच रहे हैं, खसोट रहे हैं, उसको मार रहे हैं, और यहां तक कि आपने उसकी जान मार दी। जान मारने के बाद दूर जाकर के उसको जला दिया। अगर ऐसे लोगों को तुरंत आप नहीं सजा देते हैं, और उस सजा का वीडियो देश भर में आप दिखाइए ना, पार्लियामेंट के भीतर सभी सांसद इस बात पर सहमत हैं कि कानून सख्त से सख्त बनाया जाना चाहिए, इस तरह की विभत्स और अमानवीय घटनाओं पर तो कहीं से कोई भी मुरव्वत नहीं होनी चाहिए और ऐसे मामलों में माफी की कोई गुंजाइश नहीं रहे, इसलिए कानून में यह बात डाल दी जाए कि इस तरह के अपराधियों के लिए कोई माफी नहीं है, क्योंकि माफी के नाम पर भी कुछ महीने कटते हैं और मामला बदल भी जाता है कभी कभी। जब संसद एकमत है, देश जब एकजुट है, सब चाहते हैं कि इस तरह के विभत्स, जघन्य हत्याकांडों और बलात्कार के मामलों के आरोपियों या दोषियों को तुरंत से तुरंत, जितनी जल्दी हो, अदालती कार्रवाई पूरा करके सजा दे दी जाए, और ऐसी सजा दी जाए कि समूचा देश उसको देखे, और जब कभी भी किसी के भीतर कोई शैतान जागे तो वो उस तस्वीर को देख करके थरथराए। ये जो पूरा मामला है इसने समूचे देश को नहीं हिलाया है। इस तरह की घटनाएं देश में होती हैं
और इसलिए बार बार होती हैं क्योंकि कानून लचर है हमारा, और कानून इतनी मोहलत दे देता है कि जो बलात्कारी है, जो हत्यारा है, वो लगातार जिंदा रहता है और फिर किसी न किसी तरीके से अपने को बचा ले जाता है। इस तरह की लचर व्यवस्था या कानून की कमजोरियों को खत्म करके और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त और बहुत कम समय में सजा देने का प्रावधान या उस तरह का नज़ीर, उस तरह का उदाहरण रखना पड़ेगा। दिल्ली में जो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, उन्होंने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि 6 महीने के भीतर इन सबों को फांसी पर लटकाइए, जितनी भी अदालती और कानूनी कार्रवाइयां हैं उसको पूरा किया जाए। उन्होंने ये मांग की थी कि मैं धरने पर बैठूं और अनशन पर बैठूं, इस मांग को लेकर के दिल्ली पुलिस ने उसको ठुकरा दिया। उस पर उनका एतराज़ है, एतराज़ समूचे देश को है और लोग सड़कों पर हैं, देश का कोई भी हिस्सा खाली नहीं है, हर जगह लोग विरोध में हैं, गुस्से में हैं और वो डरे हुए हैं। इस तरह के हैवान, इस तरह के शैतान, इस तरह के पिशाच, ऐसे लोगों का हमारे समाज में जिंदा रहना समाज के लिए खतरनाक है। इसलिए पुलिस के जरिए जो भी ब्यौरा आ रहा है उस ब्यौरे को आपके सामने रखना ज़रूरी है, क्योंकि समझा जाए कि ये किस तरह के लोग रहे हैं, ये इंसान के भेष में बेड़िए हैं और इनका समाज में जिंदा रहना समाज के लिए ठीक नहीं है।